मेरा क्वेश्चन है कि मेरे साथ भी बच्चे छोटे हैं और आई एम मोर कंसर्न कि वो कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़े. लेकिन हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत बड़ा इशू होता है कि जितनी जल्दी बच्चे ने कुरान पढ़ लिया खतीब किया और दोबारा से, तो वो एक होता है कि नाजरा मेरे बच्चे ने खत्म कर लिया है. लेकिन उसको समझ उस चीज की बिल्कुल नहीं होती. जैसे मैं छोटी थी मैंने भी इसी तरह ही पढ़ा, बाद में जाके समझ आई कि नहीं तर्जुमे से पढ़ना चाहिए. तो आप अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जिस तरह हमारे स्कूल के भी बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर भी होते हैं, अभी हम लोग किस तरह बच्चों को पहले नाजरा ही करवाएं या हम पहले तर्जुमे के साथ, मतलब जब स्टार्ट करें तो तर्जुमे के साथ ही स्टार्ट करें, बेस्ट स्ट्रैटेजी अभी क्या होनी चाहिए? जज़ाकअल्लाह, बहुत अहम सवाल है आपका. इसमें एक चीज याद रखनी है, सीरत पे चले जाते हैं हम. ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हम सीरत को ओवरऑल देखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैल नहार देखें, सुबह से शाम तक का वक्त देखें, रात तक का वक्त देखें, तो हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मामला, तमाम काम नमाजों के इर्द गिर्द थे. पहली चीज ये समझ लें, यानी जो काम करना है फजर से लेकर जोहर तक क्या करना है, जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा, ईशा के बाद तहज्जुद तक क्या करना है. हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा उल्टा है, इसीलिए हमारे चैलेंजेस ज्यादा हैं. हमारे नजदीक नमाजें फिलर हैं, सुबह से लेकर रात तक घर के काम, बच्चों की स्टडीज, स्कूल कॉलेज एडमिशंस, करियर चॉइसेस, ये प्राइम इंपॉर्टेंस की है. इसीलिए हम घबराए हुए हैं, चकराए हुए हैं. 20 साल हो गए हैं मुझे माओ से डील करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, छोटे बच्चों को लेकर बड़े बच्चों तक जो उनके चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए. मैंने सिर्फ उन माओ की सक्सेस देखी है जिन्होंने दीन को प्रायोरिटी बनाया है और दुनियावी हर सक्सेस को, चाहे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप कोई भी करियर चॉइस करना चाह रहे हैं, दुनिया में जो मर्जी कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, उन्होंने उनको फिलर्स लिया. ठीक. तो अब जैसे आपने कहा कि कंसर्न यह है कि पढ़ाई भी है, तालीम भी है, सब कुछ है, जब तक आपका वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा और दीन फिलर होगा, उसके साथ दीन कैसे सिखाएं, तो दीन कभी नहीं आएगा, वो आपकी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल रहेगी. जिस दिन आपने ये समझ लिया है कि ये मेरी प्रायोरिटी है, बाकी चीजें फिलर हैं, ये अल्लाह का वादा है कुरान और हदीस से कि अगर आप दीन के पीछे जाएंगे अल्लाह दुनिया आपके पीछे भेज देगा, लेकिन अगर आप दुनिया के पीछे जाएंगे दीन पीछे रह जाएगा. इतनी इनसिक्योरिटी है हमें. छोटे बच्चे होते हैं ना, हम फिर भी कुरान पढ़ाते हैं, नाजरा भी पढ़ाते हैं, तर्जमा भी सिखाने की कोशिश करते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज आता है जैसे ही बच्चा कैम्ब्रिज में ओ ए लेवल में करियर फॉर्मिंग, जहां पे वो नंबर आते हैं, वहां ये सब क्लासेस कुरान सब छूट जाता है और वहीं पे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं बच्चों के. तो पहला फैसला तो क्लैरिटी के साथ ये करें कि मुझे फिलर चाहिए है या प्रायोरिटी चाहिए है. फिर आपको यू हैव टू लिव बाय दैट. आपके लेफ्ट राइट लोग उसको प्रायोरिटी बना रहे होंगे, आपके दिल में घबराहट आएगी कि मैं अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रही हूं, ज्यादती कर रही हूं, लेकिन आपको फिर अपने आप को बताना है मेरे लिए वो फिलर नहीं, प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह मेरा लॉस नहीं होगा. नंबर वन. नंबर टू, कुरान पाक का पढ़ाने का तरीका यह है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी. पहली चीज क्या है? कुरान पाक की तिलावत. दूसरी चीज क्या है? उसका तर्जमा समझना. तीसरा, आप उसकी गहराई में जाना, अच्छी तरह से उसको देखना. चौथा, अपने ऊपर अप्लाई करना. पांचवा, आगे पैगाम पहुंचाना. ये पांच जो फराइज हैं ये उलमा के नहीं है सिर्फ, ये हम जितने लोग यहां बैठे हुए हैं हम सबसे पूछा जाएगा. खुद पढ़ा, तर्जमा आता था, उसकी तफसीर को समझा, अपने ऊपर अप्लाई किया और लोगों को बताया कि नहीं बताया. वी विल ऑल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट. तो बच्चों को हमें शुरू से इन कामों पे लगाना होगा, लेकिन उसके लिए पहले हम तो प्रिपेयर हो, हमें खुद ही तर्जमा नहीं आता. जितनी आपकी प्रैक्टिसिंग दुरुस्त होगी, इसको कहा जाता है हिडन करिकुलम. जो एजुकेशनिस्ट हैं उसको हिडन करिकुलम कहते हैं. व्हाट इज हिडन करिकुलम? हिडन करिकुलम ये होता है कि जो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं 70% आपसे ट्रांसफर हो रहा है, 70% आपकी पर्सनैलिटी से ट्रांसफर हो जाता है. तो उस पर फोकस करें. आप अपनी प्रैक्टिसेस शुरू कर दें,
सारे काम वो दुरुस्त करें, आप देखें तो सही बहुत सारे काम आपके बच्चे ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आपको खुद नहीं समझ आ रही, आप बच्चों को किसी क्लास में भेज रहे हैं समझने के लिए, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। इस वक्त चैलेंज ये है बहुत बड़ा, कई लोग सिखाने की बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि खुद नहीं वो प्रैक्टिस कर रहे, तो आपको साइड बाय साइड लेकर चलना होगा। और बच्चे फितरत पे होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी यूथ सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया था। मैं बहुत से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी जाती हूँ, बहुत से सेटअप्स में यूथ को भी पढ़ाती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि यूथ भागता है कुरान से, नहीं पढ़ना चाहता, जो कुरानी गैदरिंग में जबरदस्ती भेजना पड़ता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, यूथ पढ़ना चाहता है, हम एक्चुअली उसको कुरान और सुन्नत के सांचे भी नहीं ढालना चाहते। हम चाहते हैं कि कुरान बच्चा इतना सीखे मेरा ताबेदार हो जाए, एडिक्शन ना करे, कोई लड़का लड़की को पसंद ना करे, ऐसे काम ना करे, लेकिन पक्का मौलवी ना बने, पक्का दीन के पैरामीटर में, कुरान और सुन्नत के पैरामीटर में ना है। वो हमें एक्सट्रीम बिहेवियर्स लगते हैं। तो पहले अपनी क्लैरिटी करें, बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। एग्रेशन बच्चों में हमेशा इस वजह से आती है कि वो अपने माहौल में एग्रेशन देखते हैं, और उनका इमीडिएट माहौल घर का माहौल होता है, नंबर वन। नंबर टू, एग्रेशन तब आती है जब बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती, उनको समझ नहीं आता इस मसले को हल कैसे करना है, कोई उनको हेल्प ही नहीं कर रहा, वो फिर एग्रेशन से करते हैं। नंबर थ्री, एग्रेशन तब आती है जब बच्चों को सही डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता। यानी बच्चा जब अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन जैसे वो एग्रेसिव हुआ आपने हर चीज दे दी, तो बच्चे ने सीख लिया कि अगर मैं इतने डेसीबेल पे चीखूंगा, दो तीन चीजों को मारूंगा, अपना सर नीचे फर्श पे हिट करूंगा, तो मैं जो मांग रहा हूं मुझे मिल जाएगा, तो वो फिर वही बिहेवियर सीख लेता है। और वही बात आपने सोल्यूशन ऐसा तो खुद ही दे दिया कि हम क्या करें अपने एग्रेशन के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाएं, नींद अपनी पूरी करें, खाना वक्त पे खाएं, थोड़ी वॉक करें, पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, गलत गुमान ना करें हर एक के बारे में, जो नेगेटिविटी है उससे बच के रहें, जो पॉलिटिकल गेम्स हैं किसी भी सिनेरियो में उससे अपने आप को बचाएं, हेल्दी एक्टिविटीज में अपने आप को इंगेज करें, सबर लाएं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काम करें, ऐसे ऐसे सब चीजों के बारे में पढ़ा करें बार बार, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और दुआ बहुत ज्यादा करें, जैसे दुआ आती है ना, रब्बाना अफ़रिग अलैना सब्रन, अल्लाह ताला मेरे पर सबर उंडेल दे। तो माओ को तो मैं खासतौर पर कहती हूँ कि ये वाली दुआ अपने लिए बहुत मांगा करें, बिकॉज बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हम सबके पास, मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चे, फिर एक बड़ा बच्चा, ठीक है, फिर अपना खानदान, फिर उनका खानदान, फिर माहौल के जो इतने सारे चैलेंजेस हैं उनको लेके चलना आसान काम नहीं है। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी 9 साल की है, मैं उसको नमाज के लिए कहती हूँ, पढ़ती है, लेकिन कुछ टाइम पे कह देती है मामा फिर अभी छोड़ दूं, अभी ना पढ़ूं फिर पढ़ लेंगे। अब मैं उसको किस एज तक, मतलब सख्ती में नहीं करना चाहती, मेरे यह दिल चाहता है कि वो उसका दिल ना उठ जाए इस चीज से, तो मैं किस एज तक उसको स्पेस दे सकती हूँ? नमाज फराइज में से है, नमाज के बारे में वाजह तौर पर हदीस आती है कि 7 साल पे बच्चे को नमाज शुरू करवाई जाए, 10 साल तक का बच्चा अगर ना पढ़े तो उसे मारा जाए। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर 10 साल का बच्चा फराइज की तरफ नहीं है तो उसके साथ सख्ती करने की इजाजत है, मारने की बात नहीं है लेकिन सख्ती की इजाजत है। यहां पे जो मैंने पहले सवाल में एक नुक्ता आप सबके सामने वाजे किया था कि आप यहां पर भी नमाज के मामले में भी देखें कि वो आपके लिए फिलर है या प्रायोरिटी है, क्योंकि ये बहुत सी माओ को पता नहीं उनका नफ्स या शैतान ये वसवसा देता है कि मैंने सख्ती नहीं करनी। फराइज के मामले में आपको सख्ती करनी पड़ेगी। इसको आप बिल्कुल ऐसे देखें कि जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, आप बच्चे को कहें कि बेटा कंपल्सरी क्वेश्चन दिल नहीं चाहता तो छोड़ आना एग्जाम में, वो कंपल्सरी क्वेश्चन छोड़ के आएगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। बच्चा कहता है मामा मेरा दिल नहीं चाह रहा था, आपके यहां एक्चुअली मैं चाहती थी वो पुट ऑफ ना हो जाए। आप देखिए दुनिया के मामले में जिस सब्जेक्ट में वो वीक होता है हम उसको पुट ऑफ, हम ये नहीं कहते वो पुट ऑफ हो रहा है, वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो हम कहते हैं ये पढ़ नहीं रहा ना ये सब्जेक्ट, कोचिंग लगवाते हैं।
अच्छा, अगर टीचर ने 1 घंटा पढ़ाया है और फिर भी नंबर दिया, हम कहते हैं 2 घंटे पढ़ाओ, फिर वो घर आता है, फिर हम भी पढ़ाते हैं, फिर उसके अब्बा को कहते हैं आप भी पढ़ाएं, हमने उसके लिए तो कभी नहीं सोचा कि वो पुट ऑफ होता है, वो पुट ऑफ हो भी तो हम पढ़ाते पूरा है, हम कहते हैं 90% स्कोर करना पड़ेगा। तो दीन के मामले में भी आप पुट ऑफ, आप ये ना सोचें बच्चा बच्चा पुट ऑफ होगा, आप उसको एक बॉटम लाइन मैसेज दे दें, फराइज फराइज है नंबर वन। दूसरी बात ये भी याद रखें कि जब भी दीन के मामलात में फराइज हैं वो कुर्बानी मांगते हैं, ठीक। कुर्बानी आप कर नहीं सकते जब तक आपको अल्लाह से मोहब्बत ना हो, अल्लाह की मार्फत ना हो। तमाम इबादात आपकी उसकी चाशनी ये है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। जिस दिन अल्लाह की मार्फत होगी, जिस दिन आपने अल्लाह को अपना रब मान लिया ना, आपके लिए इबादात मुश्किल नहीं रहती, स्ट्रगल रहती है, मुश्किल ही रहती है। अब अल्लाह की मार्फत कैसे हासिल हो? वंस अ वीक बच्चों की एक कुरान क्लास, एक इस तरह की एक्टिविटी जनरेट करें, फन बेस्ड। फन बेस्ड का ये मतलब नहीं कि हम बेकिंग सिखाएंगे, हम गेम्स खिलाएंगे, साथ थोड़ा सा इस्लाम सिखाएंगे, नहीं ये नहीं। इस्लामिक क्लास इस्लामिक क्लास होगी, उनको अच्छे तरीके से हर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, हर बात सिखाई जाएगी, अल्लाह का हुक्म बताया जाएगा, उनको समझ आए, उनका करने को दिल चाहे। जब तक हम सिखाएंगे नहीं, हम बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, कुर्बानी पहले मांगते हैं, मोहब्बत दिलवाते नहीं। इसीलिए आप देखिए वो बच्चे बड़े होते हैं, कोई एथियस बन जाता है, कोई एग्नोस्टिक बन जाता है, कोई यहां चला जाता है, कोई वहां चला जाता है। अल्लाह से मोहब्बत दिलवाए, अल्लाह की मार्फत दिलवाए बच्चों की आसानी के लिए और उनको नमाज में इंडल्ज करने के लिए। मैंने ये किया था कि जब सेवन ईयर्स का था मेरा छोटा बेटा या बड़े बच्चे, 7-8 ईयर्स पे मैं, बल्कि 6-7 ईयर्स पे मैं कहती थी कि सिर्फ फर्ज पढ़ो। बिल्कुल सही। चार फर्ज जोहर के, चार फर्ज असर के, 3 फर्ज मगरिब के, 4 फर्ज ईशा के, वितर भी नहीं पढ़वाती थी। फिर अब जब 7 ईयर्स का हुआ, फिर साथ रमजान शुरू हुआ, उसमें थोड़ा रेगुलर हुआ, फिर अब 8 ईयर्स का हो गया, तो अब मैंने उसको कहा कि सुन्नत पढ़ने, ठीक है। मतलब आप पहले जब 6-7 ईयर्स का करें ना, आप बच्चे को इजी करें, उसे कहें कि फर्ज पढ़ ले, जब उसे फर्ज पढ़ लेगा फिर उसको सुन्नत पढ़ने में मसला नहीं होगा, उसकी आदत, बेसिकली हमने आदत बनानी है। जैसे बैठ के होमवर्क करने की आदत करनी है ना, कि होमवर्क आके मस्ट करेगा, खाना टाइम पे खाएगा, 1 आवर के लिए बाहर जाएगा, इस तरह नमाज मस्त है, सिर्फ फर्ज पढ़ ले, लेकिन पढ़े। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो 7 साल से 9 साल 10 साल का टाइम है, इसीलिए है कि जैसे मैंने बताया कि आप ग्रेजुअल कराएं। कुछ माएं क्या करती हैं, वो कहती हैं अभी वुजू भी करो, फर्ज भी पढ़ो, सुनते भी पढ़ो, और आराम से बैठ के दुआएं मांग के उठो, वो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमें ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है। तो इस किस्म की छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देकर भी हमें बच्चों को मोटिवेट करना है कि अल्टीमेटली उनको समझ आ जाए, उनको मजा आ जाए, वो इंजॉय करें, वो उनके लिए एक रिचुअल ना रहे। तो जैसे उन्होंने कहा कि पहले प्रैक्टिस भी कराएं, मैं ये कहती हूं कि साथ ही इनको ये सारे पैरामीटर सिखाएं। वो हमारे अपने अंदर नहीं, खवातीन कहती रहती हैं खुशी खुजू नहीं है, समझ नहीं आती कैसे नमाज पढ़े, दिल नहीं चाह रहा होता कई दफा, तो वो सब देखें। मेरा एक सवाल था, थोड़ा सा अभी बीइंग अ वर्किंग मदर मुझे खुद भी डर लगता है, टीवी पे देखते हैं, मीडिया में इतना ज्यादा ये चीज आजकल, वो बच्चों का चाइल्ड सेक्स अब्यूज, ये सारी चीजें इस पे, वैसे वैसे तो हमें बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट मिलता है, गुड टच बैड टच बच्चों को बताना है, ये करना है, एक एज से अब तो जैसे बच्चा हो उसमें, इसमें हमारे दीन में इसके बारे में कोई ऐसी बात है कि या कोई ऐसी जो बताने वाली बातें, और दूसरा मेल फीमेल की सेग्रीगेशन, बहन भाई का अलग, वो उसके बारे में थोड़ी सी जरा। ठीक है, भी आजकल का बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहां आपने बात की गुड टच बैड टच की, तो आपको पता है कि इस पे भी बहुत सी रिसर्च हुई है कि जिन बच्चों को बहुत ज्यादा बताया गया था नॉट टॉक टू द स्ट्रेंजर, दिस इज गुड टच, दिस इज बैड टच, और उन पे उन्होंने बकायदा एक्सपेरिमेंट किए कि किसी शख्स ने जब आकर माँ बाप से इंटरव्यू लेके पूछा कि आपका बच्चा किसी स्ट्रेंजर के साथ कहीं चला जाएगा, माँ बाप ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हमारा बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी ये किया कि वो बच्चों से इस तरीके से बात की कि बच्चा कन्विंस होकर चला गया, और उन्होंने उनको दिखाया माँ बाप को। दूसरी बात ये कि जो गुड टच बैड टच है,
आपका बच्चा किसी हद तक आपको बता सकेगा, अगर वो कहीं कॉर्नर हो गया और कोई हेल्प के लिए नहीं आ सकता, गुड टच हो या बैड टच हो, वो तो ट्रैप हो गया। और कई दफा बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं। तो बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, जो लोग नहीं एजुकेट करते वो भी गलती करते हैं, लेकिन असल बात क्या है, बच्चों की प्रोटेक्शन। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हमें हर लेवल पे बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हम सिर्फ इस वजह से, इस बुनियाद पे बच्चों को खुला नहीं छोड़ सकते, अनसुपरवाइज नहीं छोड़ सकते कि वो खुद से ये सारे डिसीजंस ले लेंगे। हया, हमारे दीन की बुनियाद हया पे है। एक हदीस में आता है, जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। वी आर लिविंग इन टाइम्स जिसमें इमोडेस्टी को इमोडेस्टी ना समझा जाता है ना कहा जाता है, तो हमारे बच्चे कैसे प्रोटेक्टेड फील करेंगे। और आपको पता है, जब हया नहीं रहती, अक्सर लोग ऐसी बात उठाते हैं कि जिन लोगों की सिक मेंटेलिटी है, इतनी सी बच्ची के साथ ये कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, इसने क्या वल्गैरिटी की थी या इसने क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। देखिए, जब माहौल बदल जाता है ना, जैसे पोल्यूशन है, जब लोगों ने अपने घर से बाहर कूड़ा फेंकना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ओजोन कितनी इफेक्ट हो गई, पूरा माहौल उसकी लिपट में आ जाता है, लोगों की साइकी चेंज हो जाती है। आपको फिर ये नहीं रहता कि इसने क्या पहना है, इसने क्या पहना है, आपकी अपनी ब्रेन रीवायर्ड हो जाता है, आप हर चीज से गलत तरह की लज्जत हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो अपने घरों में हया को राइज करें, और उसका तरीका क्या है, शुरू से हमारी माएं भी क्या सिखाती थी, बाप के सामने कैसे अदब से जाना है। अब बड़ी बड़ी बच्चियां भी बाप की गोद में बैठती है, ठीक है ना, कि तो महरम है, भाई भी तो महरम है, लेकिन हमारा दीन सिखाता है कि अगर भाई जवान है तो उसके सामने भी अपने आप को कितना कवर रखना है, कैसा लिबास पहन के भाई के साथ बैठना है, क्योंकि आजकल तो भाई भी खतरनाक हो गए, आजकल तो महरम रिश्तेदार जो है वो भी सेफ नहीं रहे। एक मामू इतना फैशन कर रहे हैं तो उसके साथ बच्ची को छोटी को भेजना है कि नहीं भेजना, आपको उसकी चार ढाल से नजर आ जाना चाहिए कि वो भी फितरों में से गुजर है। हर एक के पास लैपटॉप है, हर कोई उस पर हर तरह की मूवीज देख रहा है, ठीक है ना। तो जब तक हमारे सिस्टम से ये चीजें नहीं निकलती, तो एक प्रोटेक्शन हर लेवल पे हमें लाने की जरूरत है, और घरों में हया के पैरामीटर्स को वापस लाने की जरूरत है। भाई को बताने की जरूरत है कि वो कैसे बहनों से इंटरेक्ट करें। कजन्स होते हैं छोटे, हम उनको अलाउ कर देते हैं कि आप आपस में मिक्स होकर जो मर्जी खेलें और जो मर्जी काम करें, एक्टिविटी करें। अब वो उसमें सारे चीजों के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये पैरामीटर्स उनको सिखाने की जरूरत है। देवर और भाभी की मोहब्बत पैदा करने की जरूरत नहीं है, मियां और बीवी में मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है। हर एक को भाई समझ के गले लगाने की जरूरत नहीं है। जो ना महरम है उस रिश्ते को ना महरम के लेवल पे लाने की जरूरत है। तो बच्चों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ जाती है कि हम लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं। उलमा यहां तक कहती हैं कि जब 8-9 साल का बच्चा हो जाए और आपको उसकी नजरों से अंदाजा हो कि मैच्योर हो रहा है और वो आपका महरम नहीं है, उससे हाथ ना मिलाएं, आपने उस बच्चे को शर्मो हया नहीं सिखाई, नजर झुकाना नहीं सिखाया, तो हया के पैरामीटर्स खत्म होंगे तो हमारी सोसाइटी में मसले। हदीस याद रखें, जब तुम में हया न रहे तो जो जी चाहे करो। तो जब तक हम अपने घरों में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे ना, हम हर चीज को जस्टिफाई करेंगे, क्या करें, अब सोसाइटी में रहना है, अब इस तरह रहना है, हमारे बच्चों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो माएं नहीं सुनती, माएं सुनती हैं, मलहूज होती हैं, खुश होती हैं, जाती हैं, वही काम करती रहती हैं। पॉर्न इतना कॉमन हो चुका हुआ है क्योंकि बच्चों के पास आपने एक्सेस दी नहीं है। हम फोन इसलिए दे देते हैं कि वो उनको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। बस दुआ दुआ भी बहुत ज्यादा दुआ करें अपने बच्चों के लिए और हया वापस लाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वज्हिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا الله میرے رب جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمانا اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو کوئی غلطی ہوگی اسے معاف فرمانا میرے رب ہمیں دین کی ہمیں صراط مستقیم کی صحیح سمجھ دینا یا اللہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں یا اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں میرے رب ہماری رہنمائی فرما دے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا دے جن پہ تو نے انعام کیا نہ ہم گمراہ ہوں اور نہ ہم پہ تیرا غضب ہو یا اللہ ہمیں حلال اور حرام کی پہچان دے دے میرے رب ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمانا میرے رب جو شادی شدہ زندگی میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو بہترین میچ دے دینا یا اللہ میرے رب جو قرض کے بوجھ تلے ہیں ان کا قرض دور کر دینا میرے رب تیرے سے بہتر کوئی بھی رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتا میرے رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے میرے رب تمام کائنات تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا یا اللہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پہ دشمنوں کے ہر مشکل سے بچا لیا میرے رب ہم سب کی بھی ایسے ہی غیبی طریقے سے مدد فرمانا یا اللہ ہمارے بچوں کو ہر آزمائش سے بچا کے رکھنا یا اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے ملک میں ہر طرف امن کی فضا دینا اپنے ملک میں ہم جو فتنے دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں جو مشکلات دیکھتے ہیں میرے رب ان سب سے ہم سب کو بچا کے رکھنا ان سب کی مدد فرمانا میرے رب یا اللہ ہماری پاک افواج کو خاص اپنی رحمت میں رکھنا یا اللہ تیرا وعدہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑا وعدہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں میرے رب ہمارے فوجی جو ہماری سرحدوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرمانا ان کے اہل خانہ کی بھی حفاظت فرمانا یا اللہ ہمارے ملک کو جو کہ اسلام کے نام پہ بنا جو ہماری پاک افواج ان کے لیے اتنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھر والے جو صبر کرتے ہیں جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اس کی وجہ سے یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمانا یا اللہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے درجات بلند کرنا ان کے خاندان ان کی بیواؤں کو ان کے بچوں کو ان کی تو کفالت بہترین طور پہ کرنا یا اللہ ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اپنی جانیں قربان کر دی یا اللہ ہمارے تمام فوجیوں کے وہ بہادری اور وہ شجاعت دینا جس پہ ہم فخر کریں یا اللہ جس طرح ہمیں ہسٹری میں خالد بن ولید کا ملتا ہے کہ وہ ہر جنگ میں جاتے تھے اور بہت بہادری کے ساتھ جاتے تھے یا اللہ ہمارے تمام فوجی بھائیوں کو اتنا ہی بہادر بنانا میرے رب ایئر فورس کی جتنی بیسز ہیں جتنے ریڈارز ہیں جتنے ان کے سسٹم ہیں جتنی ان کی محنت اور کوشش ہے میرے رب ان سب کی حفاظت فرمانا یا اللہ تو نے جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بڑی فوج کے ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کے ساتھ مدد کی میرے رب ہمارے تمام فوجی بھائیوں کی فرشتوں کے ساتھ مدد فرمانا یا اللہ جب وہ لوگ اپنے کسی محاذ پہ جائیں کسی بہت مشکل مارکے پہ جائیں تو ان کے گھر والوں کی بھی فرشتوں کے ساتھ بہترین مدد فرمانا یا اللہ احد کے میدان سے ہم نے سیکھا کہ ہم سنتوں پہ عمل کرنے والے ہوں گے تو کامیابی ملے گی میرے رب ہم سب کو سنتوں پہ عمل کرنے والا بنانا یا اللہ جس طرح جنگ خندق میں ایک بہترین سٹریٹیجی کے ساتھ دشمن کو شکست دی گئی تھی میرے رب ہماری فوج بھی بہترین سے بہترین سٹریٹیجیز کے ساتھ تمام معاملات کو لے کے چلے میرے رب ان کے دل میں ایسے ایسے آئیڈیاز ایسے ایسے خیالات ڈالنا
कि वो अपने दुश्मन को तबाह कर दें, खत्म कर दें और दीन का नाम बुलंद करें। या अल्लाह, खैबर का जो मोर्चा था, जो बहुत मुश्किल मोर्चा था, उसमें अली रज़ियल्लाहु के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उनको चुना और उन्होंने जाकर उसमें वहां पे फतह दी, मेरे रब ऐसे ही बहादुर फौजी और ऐसे ही बहादुर लोगों को हमारी फौज में आगे से आगे लेकर जाना। या अल्लाह, हमें जितनी हमारी जायज तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशात हैं, उन सबको पूरा फरमाना। या अल्लाह, हमें अपना अपने नाम से, अपनी किताब से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जोड़ के रखना। या अल्लाह, हमें हर उस काम को करने की तौफीक अता फरमाना जिसकी तौफीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। हर उस शर से बचने की तौफीक अता फरमाना जिसके शर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचने की तौफीक मांगा करते थे। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। चला आज की मजलिस में जितने लोग हाजिर हुए हैं उन सबके घरों में बरकतें नाजिल फरमाना। जितने लोगों ने ये इवेंट इसको प्लान किया, या अल्लाह एक एक कदम पर उनको नेकियां देना। या अल्लाह इनको तौफीक अता फरमाना सब लोगों को, हम सबको, कि हम कुरान को वैसे समझे जैसे तूने उसे नाजिल फरमाया, हम सुन्नत पर ऐसे अमल करने वाले हों कि आखिरत में हमारे प्यारे नबी अपनी उम्मत पे फख्र कर सकें। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।